I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time. Down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. I burn bar just like below. हमारी सुबह ऐसी है, लेकिन हमारी रात कैसी थी, आइए देखते हैं। शाम के साये फैल गए हैं और हमारा सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से आगे मज़ीद 40 मिनट का फासला है। खुदा खुदा करके सुबह 6 बजे निकले लोग, अभी 8:30 बजे हम जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। और हमेशा की तरह अल्लाह का घर ही हमारे लिए ठिकाना बना है, तो यहाँ पर आग लगी हुई है, हम हैं बस, अभी नमाज़ पढ़ के लंबी नींद करेंगे। बल्कि यहाँ पर खुदा का एक बंदा मिला, उसने हमारे लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करने का कह के वो चला गया है। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए खुदा पाक। बहुत लंबे अरसे के बाद क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे अंदर का तेंदुलकर अभी भी जिंदा है। आज का टाइम क्रिकेट खेलने में गुजरा, 5 मैच खेले, 3 जीते, 2 हारे। और लोग क्रिकेट खेल के थक जाते हैं, हम क्रिकेट खेलने की वजह से हमारे मसल खुल गए और हम अभी कहीं पहाड़ पे चढ़ने के काबिल बन गए। देखते हैं, अभी 12:30 है, उसके बाद फैसला करते हैं क्या होगा। एक नई मंजिल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है। इस वक्त 1 बज रहे हैं और खाना शाना हम खा चुके हैं, देसी घी, पता नहीं हजम हो सकता या नहीं हो सकता, शायद ये हाइकिंग ही उसको हजम कर पाए।
इस बूटी के बारे में ये मिथ पाई जाती है यहाँ पर कि इसको काट के अगर कान पर लगा दिया जाए तो हाइट में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसके मसाइल से इंसान बच जाता है, और ये ख़ुद ब खुद ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देती है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैंने इसका तजर्बा नहीं किया। यहाँ पर जो बकरवाल लोग हैं जो बकरियाँ चराते हैं, उन लोगों के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। पहली बात यह कि ये लोग इंतहाई ज़्यादा मुखलिस और मेहमान नवाज़ होते हैं, बहुत इंसान के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं कि सामने वाला इंसान खुद को थोड़ा सा गिल्टी फील करने लग जाता है। और दूसरी चीज़ जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया है वो इनका अज़्म और हिम्मत है। अब ये रास्ता देखें इन लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और गोया कि इन्होंने पहाड़ को काट के बग़ैर किसी मशीन के अपने हाथों से ये सारा रास्ता बनाया हुआ है। ये इनकी हिम्मत देखकर इंसान हैरान रह जाता है। आमिर जान मेरा मामू है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन है, मतलब इंतहा वाला नेक्स्ट लेवल वाला कारकुन है। इन्होंने याजम किया कि यहाँ पर इस चट्टान पर यह अपना नाम हमेशा के लिए अमर करना चाहता है। कभी भी चढ़ाई पर चढ़ना हो तो उसके लिए एक टिप याद रखें कि चलते वक्त ऊपर की तरफ मत देखें, क्योंकि जैसे ही आपकी नज़र ऊपर गई आपकी हिम्मत नीचे चली जाएगी। अब ये काले पत्थर हैं और इनके ऊपर रास्ता बना हुआ है, अजीब है। हमारे साथ एक लड़का है जियोलॉजी में पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि इन पत्थरों में कुछ है, लेकिन चूंकि ये इलाका एक्सेसिबल नहीं है इसलिए बस यहीं पड़े हुए हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। आज जिधर हमने आना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम गुजार है। पहले ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, सरसब्ज और शादाब, लेकिन बाद में ग्लेशियर्स और सैलाब ने इसको बर्बाद करके रख दिया। यहाँ की सारी जो ग्रीनरी ग्रीन एरियाज थे उसमें सारे पत्थर आए हुए और बस, और पानी के साथ हर जगह पर रेत भी नज़र आता है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मस्जिद होगी, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे और कोई जानने वाला मिल जाए तो उससे सलाम कलाम भी होगा।
अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है कि ये गधा इस जगह में BMW से ज्यादा कीमती है। हमारी मंजिल तो गुजार तक थी, लेकिन यहाँ जो लोग मिले उन्होंने हमें लस्सी पिलाई, चाय पिलाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा मज़ीद आपको आगे ले जाके कुछ और भी जगह दिखाते हैं। ये जो जगह है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ये मैं ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं गया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी टू विज़िट दिस प्लेस, तो इसलिए इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा बहुत थका भी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो चलते हैं। एक मरतबा ये मौका मिला है, थकावट तो चली जाएगी, लेकिन इस जगह पे दोबारा आना शायद मुमकिन ना हो। इस फूल की सूरज के साथ नहीं बनती, जिस तरफ सूरज आता है ये अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ये साइंसदानों के लिए गौर करने का मुकाम है कि क्या वजह है कि ये सूरज से मुंह नहीं मिला सकता, जिस तरह इंसान सूरज से मुंह नहीं मिला सकते। ये मेरे पीछे जो पत्थर नज़र आते हैं, ये समझिए कि बस गायों के लिए बाउंड्री लाइन है, सिर्फ गायों के लिए। क्योंकि किस्सा कुछ यूँ है कि इन पत्थरों के बाद, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, कुछ है मसला कि वहाँ जाके अक्सर ऐसा होता है कि गाय जो है वो मर जाती है, और गधे और बकरियाँ वगैरह अगर वहाँ जाती हैं, कुछ चरती हैं, कुछ पानी पीती हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। मसला क्या है इसके बारे में कुछ सही तरीके से मालूम नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद पानी है कुछ थोड़ा सा, वो जहरीला है, लेकिन उसका जहर सिर्फ गाय पर काम करता है। और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि मसला जहर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक छोटी सी घास है, एक मखसूस किस्म की, वो घास भी सिर्फ यहीं पाई जाती है, और उस घास की वजह से जो है वो गाय मर जाती है। लेकिन समझ में नहीं आती ये बात कि आखिर सिर्फ गाय के अंदर ऐसी क्या खराबी है, क्या बुराई है कि वो मर जाती है, गधे और बकरियां उनको कुछ नहीं होता। ये हमारे एक बुज़ुर्ग थे, कोई 10-15 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, 100 साल की उम्र में वो फौत हुए थे। उनका नाम था जमील दादा। उन्होंने ये पत्थर अपनी जवानी में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज से कोई 80 या 70 साल पहले, अपनी निशानी के तौर पर इसको खड़ा कर दिया था। और अभी ऐसे ही एक दो मरतबा इसको ग्लेशियर्स गिरा चुका है, और उसके बाद से ये रवायत पड़ गई है कि जब भी ये गिर जाता है, अभी तक एक या दो मतलब ऐसा हो चुका है, तो कुछ नौजवान मिलके, क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं है, ये अंदर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये इतना है, काफ़ी सारे नौजवान मिलके इसको दोबारा से खड़ा कर देते हैं, ताकि उस बाबा ने अपनी निशानी के तौर पर जो चीज़ लगाई थी वो आज उनके मरने के बाद भी उसी तरह जिंदा सलामत मौजूद है। हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है, इस वक्त 6:45 बज रहे हैं।
बारिश का ख़तरा है, इसलिए भागना है जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश आ गई तो हमारी शामत आ गई। हम बस करीब ही पहुंच गए थे कि बारिश शुरू हो गई। हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सका, हम बारिश से नहीं बच सके। ये देखें, समझ लिए शिकल की तो ऊपर जो बगल में बगल अरे बगल 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 आज मुझे भी तो कुछ अक्सर ना हो भी इसमें आस्था तो बच्चे मैं आज लाख का था ये